हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं आप सबके डिमांड पर क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का मॉडल सेट 3 लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, तो इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 2 तक कंप्लीट करा दिया, तो आज की इस क्लास में मॉडल सेट 3 को देखेंगे। और ये जो मॉडल सेट है ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, जी हाँ, चाहे वो आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, तो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट इस क्लास को कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पूरा क्लास को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अभी हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और अगर आपको आंसर बता हुआ तो आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बता दे चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो जैसा कि क्वेश्चन वन स्क्रीन पर आ चुका है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट आर यू डैश अबाउट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म यूज़ करने है, कौन सा टेंस फॉर्म आएगा। जी हाँ, तो टेंस फॉर्म का यूज़ करते समय आपको यहाँ पे टेंस को पहचानना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे आर का यूज हुआ है। जी हाँ, तो आप सबको बताइए कि जो आर का यूज होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जी हाँ, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब के साथ में। तो यहाँ पे वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप इस तरह टेंस को पहचान लेंगे तो आपको जो टेंस फॉर्म यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, शी विल बी डैश मी टुमोरो। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म यूज करने कौन सा टेंस आएगा। जी हाँ, यहाँ पे विल के साथ में बी लगाया। जी हाँ, यहाँ पे बी लगेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, शी विल बी मीटिंग मी टुमोरो। जी हाँ, यानी वो कल मुझसे मिल रही होगी, इसका टेंस का मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, शी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। जी हाँ, यहाँ पे आपको राइट आंसर यानी कौन सा टेंस फॉर्म होगा वो आपको बताने हैं। यहाँ पे आपको देखने हैं, जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट में क्या है हमारा, या शी का यूज हुआ है। जी हाँ, तो आप सबको बताइए कि जो शी है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जी हाँ, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ में क्या आता है हमारा, हैज़ यूज होता है। जी हाँ, जब हैज़ आता है और उसके साथ में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट का रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा शी हैज़ रिटर्न 6 बुक ऑन इंडियन मिथोलॉजी। जी हाँ, तो ये आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट में यानी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। जी हाँ, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको यूज करने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म का यूज करना है कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आपको पहले टेंस को देखना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे डिड लगा है, जी हाँ, जब भी डिड लगेगा तो मतलब समझ जाना है कि आपको यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो डिड कहाँ पे लगता है, पास्ट टेंस में, वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लगता है। जी हाँ, और इंडिफिनिट टेंस में हमारा क्या लगता है, वो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। जी हाँ, जब भी इंडिफिनिट में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो वहाँ पर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये सारे आपको याद रखने हैं कि सिर्फ जो सेकंड फॉर्म यूज होता है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करने हैं, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे। जी हाँ, यहाँ पे रोट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो आपको पहचानना है, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है हमारा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जी हाँ, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो पैसिव जो बनाने का तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। जी हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे दिस लेटर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस लेटर। जी हाँ, इस 3 ऑप्शन में यहाँ पे दिस का दिस लेटर है, सब्जेक्ट है, बाकी ऊपर वाले में नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी इन 3 में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जी हाँ, यहाँ पे हमारा क्या है, वो रोट यानी पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज या क्या होता है, वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस की बात हो रही है, तो दिस के साथ में क्या लगेगा, वॉज लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यानी दिस लेटर वॉज। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज हुआ है और इज हमारा प्रेजेंट पे यूज होता है, लेकिन हम लोग पास्ट की बात करें, यानी हमारा ऑप्शन सी और डी में कोई सा भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया दिस लेटर वॉज, और जब भी हमारा क्या होता है,
यानी पैसिव वॉइस में चेंज करती है तो हमारा थर्ड फॉर्म का यूज होता है जी हाँ। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा रिटर्न हो जाएगा जी हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रोट होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे रोट बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा दिस लेटर वॉज रिटन बाई नीरज यस्टरडे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। जी हाँ, अगर आपको रूल पता होगा तो आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है इज ही रीडिंग ए बुक जी हाँ। यहाँ पे आपको बेस्ट पैसिव वॉइस बताने की सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा जी हाँ। इससे पहले आपको यहाँ पे सेंटेंस टेंस को पहचानना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे इज का यूज हुआ है और रीडिंग का यूज हुआ है जी हाँ। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और उसका ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो हमारा यहां पे इज है वो इज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या बनाना है जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमारा ए बुक क्या है ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज ए बुक जी हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इज ए बुक कहाँ लिखा हुआ है जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी में है और बाकी किसी में भी नहीं है, तो आपको ऐसी पहचान में आ जाना चाहिए कि यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है आंसर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर सेवन भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है आई हेल्प हिम चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस जी हाँ। यहाँ पे भी आपको बेस्ट पैसिव वॉइस चूज करने कौन सा होगा, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा आई के साथ हेल्प लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो ये आपको पहचान में आ जानी चाहिए। तो यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जी हाँ। तो हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा ही हो जाएगा। उसके यहाँ पे हमारा क्या है पास्ट टेंस है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगा, तो ही वाज लग जाएगा जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ही वाज हेल्प्ड हो जाएगा जी हाँ। और यहाँ पे हमारा जो आई का है वो क्या हो जाएगा मी, तो क्या हो जाएगा ही वाज हेल्प्ड बाई मी हो जाएगा जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, तो सेवन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट जी हाँ। क्लास थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना क्योंकि मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में क्लियर करते जाऊंगा यानी सारे क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एट को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है वी डैश टू बाई सम फर्नीचर चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जी हाँ। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने हैं क्योंकि एग्जाम में आपको एक्टिव पैसिव उसके बाद जो आपका आर्टिकल है उसके जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ग्रामर में जी हाँ। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, तो यहाँ पे आपको यूज करने है कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो यहाँ पे एट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आउट टू बाई सम फर्नीचर जी हाँ। तो यहाँ पे हमें बता दो कि जो आउट जो ये हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसका यूज कहाँ यानी कब किया जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं यानी किसी चीज को खरीदने के बारे में सोच रहे होते हैं जी हाँ। हम इच्छा करते हैं कि हमको ये चीज़ खरीदना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आउट का यूज़ करते हैं जी हाँ। यहाँ पे फर्नीचर क्या है कुछ सामान की बात कर रहे हैं हम लोग यानी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर देंगे यानी वी आउट टू बाय सम फर्नीचर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन जी हाँ। तो क्वेश्चन नाइन भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जी हाँ। यहाँ पे आपको भी यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने कौन सा आएगा, तो यहाँ पे नाइन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। यहाँ पे मे का यूज होगा जी हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो मे का यूज होता है वो कहाँ पे होता है, जब भी हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं या कभी प्रे करते हैं प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी वी मे क्वालिफाई दिस ईयर यानी हम लोग इस साल क्या करेंगे क्वालिफाई करेंगे इस साल, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन जी हाँ। तो क्वेश्चन टेन भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ही डैश कम टुमारो चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जी हाँ। यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने कौन सा आएगा, तो यहाँ पे टेन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। ही मे कम टुमारो जी हाँ। जब भी क्या होती है किसी की यानी कोई भी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है संभावना होती है तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं यानी ही मे कम टुमारो यानी वह कल आएगा, यानी कंफर्म नहीं है लेकिन क्या है पॉसिबिलिटी है संभावना है कि वो आ सकता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन जी हाँ। क्वेश्चन नंबर इलेवन भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है मैन इज मॉर्टल चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस जी हाँ। यानी जो हमारा ये मैन इज मॉर्टल सेंटेंस है इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चूज करने चेंज करने हैं, तो यहाँ पे इलेवन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। मैन इज नॉट इमॉर्टल जी हाँ, यानी दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है लेकिन ये क्या है नेगेटिव में है और ये क्या है हमारा अफर्मेटिव में है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है शी इज वाइज चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस जी हाँ। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ यानी वह बुद्धिमान है जी हाँ। तो यहाँ पे आपको उसको बनाना है कि इसका नेगेटिव क्या होगा, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। शी इज नॉट फुलिश यानी वो बेवकूफ नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ बेवकूफ नहीं है तो वो क्या है यानी शी इज वाइज वो ईमान बुद्धिमान है, तो यानी सेंटेंस का मीनिंग
वही रहता है, लेकिन जो हमारा सेंटेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, तो क्वेश्चन 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? आई मेट एन ओल्ड मैन, ही वॉज वेरी पुअर, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, यानी यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, सुटेबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई मेट एन ओल्ड मैन हु वॉज वेरी पुअर। जी हाँ, मैंने एक ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी से मिला, हु वॉज वेरी पुअर, जो कि क्या था, गरीब था। जी हाँ, तो यहाँ पे जो हु है ये दोनों सेंटेंस को मिलाने का काम किया, जी हाँ, एक कनेक्टर का एक काम किया। जी हाँ, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कॉल मी डैश एन आर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको सुटेबल जो प्रे पोजीशन है उसका यूज करना है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग प्रे पोजीशन की ओर आ चुके हैं। कौन सा प्रे पोजीशन का यूज होगा यहाँ पे, क्या है, कॉल मी डैश एन आर। जी हाँ, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी कॉल मी इन एन आर, जी हाँ, एक घंटे में मुझे कॉल कीजिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, क्वेश्चन 15 पे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हिज मदर डाइड डैश कॉलेरा, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, जब भी कोई भी क्या होता है डिजीज यानी कोई भी बीमारी होती है जिसके कारण से कोई भी अगर इंसान मरता है, तो वहाँ पे हम लोग उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हिज मदर डाइड फ्रॉम कॉलेरा या फ्रॉम टीबी, यानी कोई भी बीमारी होगी तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डैश मी ही वॉज सिटिंग, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करने कौन सा आएगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी, बिसाइड मी यानी मेरे बगल में, तो यहाँ पे हमारा बिसाइड से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मी यानी मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। जी हाँ, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, बिसाइड लगेगा, यानी उसके साथ में एस नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो 17 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे। जी हाँ, यानी आज क्लास में कुछ ही स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बाकी सारे क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर एम एम झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल की ओर आ चुके हैं, तो अभी आपको आर्टिकल बताने हैं कि कौन सा आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल का यूज करते समय पहले आपको यहाँ पे उस वर्ड को देखने है। जी हाँ, यहाँ पे आया है वर्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, उसके पहले हम लोग को आर्टिकल यूज करना है। तो यूनिवर्सिटी में हमको क्या देखना है, साउंड को देखना है। जी हाँ, क्योंकि हमको लेटर को नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग अगर यू को देखते हैं तो यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारा यू क्या है, वाउल है। तो वाउल के पहले क्या लगता है, एन लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एन नहीं लगेगा, वो क्या लगेगा, ए लगेगा। जी हाँ, ए का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब भी बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे साउंड हमारा किसका आ रहा है, यो का साउंड आ रहा है। जी हाँ, और यो हमारा कौन सा साउंड है, ये कॉन्सनेंट साउंड है। तो कॉन्सनेंट साउंड के पहले कभी भी हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी डॉक्टर एम एम झा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जी हाँ, यहाँ पे आपको लेटर को नहीं देखना है, आपको यानी साउंड को देखना है कि हमारे मुँह से किस यानी कौन सा साउंड निकल रहा है, कॉन्सनेंट निकल रहा है या वॉल साउंड निकल रहा है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जॉन रीड्स डैश गीता एवरीडे। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट आर्टिकल यूज करने कौन सा आर्टिकल आएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो गीता है वो क्या है, ये हॉली बुक है, जी पवित्र किताब है। जितनी भी पवित्र किताब है, जितनी भी हॉली बुक्स हैं, उसके पहले किसका यूज होता है, वो द का यूज होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जॉन रीड्स द गीता एवरीडे। जी हाँ, चाहे वहाँ पे बाइबिल होता है या कुरान होता है या कोई सा भी हॉली बुक होता है, उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, तो 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, शी इज डैश आर लेट, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ पे आपको देखने है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको लेटर को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हुआ है, एच का यूज हुआ है। तो आप सबको बताया कि जो एच है वो क्या है, कॉन्सनेंट लेटर है। कॉन्सनेंट लेटर के आगे हम लोग किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, लेकिन आपको लेटर पे नहीं जाना, आपको साउंड पे जाना है, क्योंकि हम लोग जब भी इसका हम लोग क्या करते हैं यानी बोलते हैं, तो हमारा साउंड किसका आता है, औ का साउंड आता है। जी हाँ, शी इज डैश आर लेट, यहाँ पे औ का साउंड आ रहा है, और हमारा क्या है, और हमारा क्या है, वाउल साउंड है। उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज एन आर लेट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल
करेक्ट है वो बताने हैं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने कन्फेस, जिसका यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कन्फेस का मीनिंग क्या होता है, यानी अपराध कबूल करना, यानी जुर्म को कबूल करना, उसको क्या बोलते हैं, कन्फेस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको थोड़ा क्लास लेंदी लगेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी सारे क्वेश्चन का आपको बताऊंगा, यानी सॉल्व कराऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन 22 को भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दिखा यहाँ पे भी आपको यानी वर्ड का स्पेलिंग बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे 22 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जो ऑसियन होता है यानी समुद्र का जो होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, 23 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ यहाँ पे भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा है। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में ये जितने भी मैं आपको जो टॉपिक कवर करा रहा हूँ, यानी स्पेलिंग करेक्शन का, उसके बाद जो आपका सेंटेंस करेक्शन है, ये सारा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ट्यूशन, ट्यूशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी यहाँ पे आपको बता दें कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी बिलीफ, बिलीफ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। तो 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मालगांवकर, जी हाँ मालगांवकर माने यानी मनोहर मालगांवकर, जी हाँ यानी जो मनोहर मालगांवकर है उनके द्वारा कितने दिन का छुट्टी लिया गया था, जी हाँ ये आपको बताना है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे बुक पोर्शन की ओर आ चुके हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाए 2 डेज यानी 2 दिन की छुट्टी उन्होंने लेकर, 2 दिन की छुट्टी वो लेकर आए थे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए। 26 में ध्यान से देखिए और आप लोग आंसर देने की भी कोशिश कीजिए साथ साथ में। Who said my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character, जी हाँ यानी किसने कहा था कि मेरे बच्चे को उसके स्किन के कलर के, जी हाँ यानी उसके स्किन के कलर से उसको जज नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको यानी उसके करेक्टर से जज किया जाएगा, जी हाँ जी बात किसने कही थी वो आपको बताने। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने MLKJR, जी हाँ। तो आपको घबराना नहीं है कि MLKJR क्या है, मैं बता दूँ कि जो यहाँ पे MLKJR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जी हाँ इसका शॉर्ट फॉर्म यानी MLK लिखा जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 जी हाँ। 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी हाँ यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था वो आपको बताने हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 जी हाँ। 28 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। हु विजिट्स मदर हाउस एज ए रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, दिखा यानी ये सेंटेंस से बताया जा रहा है कि जो प्रेगनेंसी जो होता है उस दौरान यानी कौन अपनी माँ का घर जाता है, दिखा कौन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने सिलेक्टिव वुमेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 क्या बोला जा रहा है। यू आर एन इडियट हु सेड दिस टू साहिबी, दिखा यानी तुम एक बेवकूफ हो, ये किसने कहा था साहिबी को, दिखा तो ये किसने कहा था, तो उनके टीचर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हिज टीचर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 जी हाँ। 30 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। इन बांग्लादेश डैश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, जी हाँ यानी बांग्लादेश में कौन एक क्या है फेरी टेल्स यानी परियों की कहानी है, कौन एक प्रकार की परियों की कहानी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रूप थोका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 जी हाँ। तो क्वेश्चन 31 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज, जी हाँ यानी जो हमारा लेसन है हाउ फ्री इज द प्रेस वो क्या है, यानी एक ऐसे है या शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है या फिक्शन है, जी हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एन ऐसे यानी क्या है, एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 जी हाँ। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। द पोर्टर सॉल्ड द गॉड ऑफ साहिबी फोर, जी हाँ यानी जो पोर्टर थे उन्होंने जो साहिबी के गॉड को बेचा था, यानी कितने येन के बदले में बेचा था। तो भाई 32 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 50 येन के यानी 50 येन में बेचा था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जाए। 33 में पर्ल अस बक ब्लेम्स द
डैश फॉर द इल्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, यानी जो पर्ल अस बक है वो ब्लेम करते हैं किसके लिए, यानी जो भी इंडिया में क्या है मिसफॉर्चून्स यानी जो बदकिस्मतियां हैं और जो इल्स यानी बीमारी है उसके लिए किसको ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स को यानी जो अंग्रेज है उनको ये क्या करते हैं ब्लेम करते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है, बेंजी बाउट द लैंड फ्रॉम दिखा, यानी बेंजी ने जो बाउट इन लैंड बाउट किया था, ने जो जमीन खरीदी थी वो किससे खरीदी थी वो बताने हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने सैंडर्स हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा, ध्यान से देखिए आप लोग, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड इज फ्रॉम दिखा, यानी मैंने जो अभी सेंटेंस आपको बताया इस सेंटेंस को कहां से लिया गया है, कौन से लेसन से, वो आपको बताने हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने द सोल्जर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। जी हाँ, यहाँ पे यानी कितने लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने सुना होगा जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स का होता है। जी हाँ, कितने लाइन्स का होता है, 14, जो 14 लाइन की जो यानी पोएम होता है उसको सोनेट बोलते हैं। और जो 14 लाइन में यानी क्या होता है, एक 8 लाइन होता है उसके बाद 6 लाइन होता है, जो फर्स्ट 8 लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्टेव बोला जाता है। जी हाँ, और जो लास्ट का जो 6 लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, सेस्टेट। जी हाँ, ये आपको दोनों को याद रखनी है, जो फर्स्ट 8 लाइन उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टेव और जो लास्ट का जो 6 लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे सेस्टेट। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो यानी सोनेट होता है वो कितने लाइन की होती है, वो 14 लाइन्स की होती है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। जी हाँ, 37 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, मैकाविटी इज एंड। जी हाँ, जो मैकाविटी है क्या है, एक मिस्ट्री कैट का नाम है, तो वो है वो क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इज एन आउटलॉ हो जाएगा। जी हाँ, आउटलॉ किसको बोलते हैं, यानी जो किसी भी लॉ को नहीं मानते, यानी जो किसी भी कानून को नहीं मानता है वो अपने मनमाने करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आउटलॉ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी वार सेनेट्स डिड ब्रूक राइट। जी हाँ, यानी जो ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक है, उन्होंने कितने वार सेनेट, कितने यानी जो युद्ध के ऊपर सेनेट लिखे हैं वो आपको बताने हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 5 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है, आर के नारायण हैज रिटन। जी हाँ, यानी जो आर के नारायण है वो क्या है, एक राइटर है, उन्होंने क्या चीज लिखा है वो आपको बताने हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने क्या हो जाएगा, द गाइड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है, 40 में ध्यान से देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल इज फ्रॉम। जी हाँ, यानी मैंने जो अपने सेंटेंस आपको बताया इस सेंटेंस को कहाँ से लिया गया है वो बताने हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 41 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, हु वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। जी हाँ, यानी किसको बिना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। जी हाँ, तो वो कौन थे, तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जो जॉन डाउन थे उनको बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 क्या बोला जाए, 42 में, आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम। दिखा ये सेंटेंस यहाँ पे बताने हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दिखा तो इस तरह के एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। तो जितने भी मैंने आपको बताया ये सारे को आपको याद कर लेना है, दिखाएं एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आप क्वेश्चन 43 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम। दिखा तो ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है वो बताने हैं आपको। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 44 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कीट्स इज ए डैश पोएट। जी हाँ, यानी जो जॉन कीट है वो कैसे पोएट है वो आपको बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, रोमांटिक पोएट। जी हाँ, यानी जो जॉन कीट्स थे वो क्या थे, एक रोमांटिक पोएट थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है, डैश वॉज ए पोएट ऑफ नेचर। जी हाँ, तो यानी कौन नेचर के क्या थे, पोएट थे। जी हाँ, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जॉन कीट्स हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो क्या करते हैं, नेचर से क्या करते हैं, काफ़ी लव करते हैं, उन्हें को यानी क्या बोला था, रोमांटिक पोएट के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जॉन कीट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है, हु हैज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन। जी हाँ, यानी बच्चों के लिए किसने यानी कई कविताएं लिखी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिखा नहीं है वाल्टर डेला मेयर हो जाएगा, उन्होंने बच्चों के लिए कई कविताएं लिखी हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर रोड, जी हाँ यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है वो आपको बताने हैं। तो 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी गीतांजलि, जी हाँ यानी गीतांजलि जो लिखा है वो किसने लिखा है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, जी हाँ यानी यहाँ पे लास्ट के जो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ, ये जो हमारा सेकंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश उसी से लिया गया है। जी हाँ इसके क्लास मैंने स्टोरी ऑफ बुक का जो जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया। जी हाँ तो 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अरुंधति रॉय हो जाएगा। जी हाँ आप देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, जी हाँ तो 49 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। मैक फ्लेक्नो इज रिटन बाय, जी हाँ यानी मैक फ्लेक्नो एक बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जॉन ड्राइडन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है। हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीट्स, जी हाँ यानी कौन यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम से जाने जाते थे वो आपको बताने हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ एलिजाबेथन स्कॉलर, जी हाँ यानी जो एलिजाबेथन पीरियड के जो भी यानी जितने भी स्कॉलर थे उनको यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास एंड होता है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और इंग्लिश की इस मॉडल सीरीज में जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको हर क्लास पर अटेंड होना जरूरी है। जी हाँ क्योंकि ये सारे क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। जी हाँ इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लास हो आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके, और आपका कोई भी डाउट हो जो भी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दिखा और आप लोग जाते जाते अपना कमेंट बॉक्स में ये भी बताते जाइए कि आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय टाटा सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।